तो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में वारदात की रात इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बड़ा पर्दाफाश किया। न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर तापस प्रमाणिक ने कहा क्राइम सीन पर लापरवाही की। तापस प्रमाणिक ने दावा किया कि आरोप संजय रॉय अकेले इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता। तापस प्रमाणिक ने यह भी कहा संदीप घोष किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो वीडियो वायरल हुआ था ना, वो वीडियो वायरल होने के बाद हम लोग देख के चौंक गए, ऐसे कैसे हो सकते हैं। एक अंदर एक डॉक्टर का मौत हो चुका है, वो जो सेमिनार रूम है, सेमिनार रूम के अंदर लग रहा है कोई फिश मार्केट है। फिश मार्केट ऐसा है, बहुत सारा आदमी उसके अंदर घुस चुका है। और कौन लोग घुस रहा है? एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का बहुत सारा प्रोफेसर लोग है, सीनियर रेसिडेंट है, एक लॉयर भी एडवोकेट है, जो प्रिंसिपल का एडवोकेट है। उनका क्राइम सीन के क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। और उनका जो पीए भी नहीं है, नेशनल मेडिकल, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका इसके दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, उनको वीडियो में दिखाई रही है। मुझे पता नहीं और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो जो वीडियो में दिखा गए थे ना, वो पूरा का पूरा क्राइम सीन ही लग रहा है, जो वो टेम्पर हो चुका है। क्योंकि नहीं होगा, देखिए वो मैडम बोल रहा था, डीसी सेंट्रल मैडम, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था, जो हम लोग का 51 फुट का रूम है, उसके 40 फुट में हम लोग बॉडी के आसपास कार्डन अप कर दिए। तो पुलिस को कैसे पता चला जो क्राइम उसका 40 फुट में ही हुआ, 40 फुट में हुआ, 11 फुट में कोई फुटप्रिंट नहीं है, और वो क्राइम सीन 40 फुट में हुआ। और देखिए एंट्री एग्जिट पॉइंट में, वो क्रिमिनल एंट्री एग्जिट पॉइंट में तो घुसेंगे ना, तो उसका फुटप्रिंट रहता है, तो फुटप्रिंट क्या होता है? फुटप्रिंट मिक्सअप हो जाएगा, तो क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे सीबीआई? तो इसके तो कोलकाता पुलिस को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो लोग अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पहले दिन से पूरा का पूरा झूठ है। सीबीआई एक्शन पर बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि संदीप घोष गिरफ्तार होंगे। करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी। और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो, और बंगाल की जनता की राय को सीबीआई ने सम्मान दिया, इसलिए सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सरकार की गलती मानी, तो वहीं टीएमसी के शांतनु सेना ने ममता सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कलकत्ता पुलिस भी इसके ऊपर एफआईआर करा सीट हो गया था, तो ये अचानक सीबीआई का हाथ में चला गया। पुलिस भी इसके ऊपर काम शुरू कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ा बहुत एलिगेशन कुछ था। अगर डिपार्टमेंट प्रॉपर टाइम में कुछ थोड़ा एक्शन लेते तो आज ऐसा सिचुएशन शायद हम लोग अवॉइड कर सकते थे कि इसके साथ पार्टी का कोई रिलेशन नहीं है। ये जितना करप्शन का आरोप में संदीप घोष को अरेस्ट किया है, और हर एक करप्शन को हम निकाला था, उसके खिलाफ स्टेप लेने का कोशिश किया था, उसको रोकने का कोशिश किया था, कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला था, हेल्थ सेक्रेटरी को भी हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसका बारे में उस टाइम कोई स्टेप नहीं लिया गया। अगर उस टाइम स्टेप ले लिया होता तो आज का यह दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। इसलिए सबूत हो गया, जब आदमी जस्टिस नहीं देता है तो ऊपर वाला जस्टिस देता है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में डॉक्टर्स का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। जूनियर डॉक्टर्स ने मार्च निकाला और बड़ा प्रदर्शन किया। देखिए जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान जूनियर डॉक्टर की पुलिस अधिकारी से बहस भी हुई, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े रहे और प्रदर्शन की जगह से हटने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अभिजीत गांगुली भी प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर्स की बात भी सुनी। BNSS जो पुराना 144 CRPC था, वो उसका प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वहाँ कोई भी असेंबली नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिशनली लाल बाजार अभियान जब भी होता है, यहाँ पर बैरिकेड लगाया जाता है। जब पीसफुली होता है, कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पर जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई